हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। वेलकम करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी हमारे मसीह भवन हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, पिता उन सभी को आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे, बरकत दे, उनकी गरीबी को, उनकी आशियों को दूर करे। यदि मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, अगर आप बीमारियों में लिप्त हैं, नहीं ठीक होती बीमारी, तो पिता से बताएंगे, अपने घुटने टेक कर पिता के सामने बैठ जाएंगे, अपने आप को दीन करेंगे, ठीक है, पिता के सामने अपने आप सिड़ो मणि बनाएंगे, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। पिता हम सभी के मांगने से पहले जानता है कि हम सभी की क्या आवश्यकताएं हैं, हम सभी को क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को पिता से बताना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है। मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता है, पिता देने वाला ही हुआ पिता है हमारा, ठीक है। अपने घुटने टेक कर बैठ जाएंगे, अपने आंसुओं को, दुखों को पिता से शेयर करेंगे, ठीक है। हम चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, मेरे पिता, मेरे प्रभु, होने दे मेरे स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को पिता जीवतों के बीच में जीवित रखा है, नया दिन दिखाया है, शाम दिखाई है पिता, शाम तक संभाला है, सुरक्षित रखा है पिता, इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। कितने मनुष्य होंगे, निजाति लोग होंगे मेरे प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे मेरे पिता, और वह कैसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे प्रभु, जहाँ का धुआं युगान युग उड़ता रहता है मेरे पिता, अपने घर परिवारों से, गांव मोहल्ले से, भाई बहनों से, माता पिता से बिछड़ गए होंगे मेरे प्रभु। मेरे पिता, जो आपने हम सभी को छिपा के रखा है, हम सभी का उद्धार कर दिया, इस छुटकारा कर दिया पिता, और नया जीवन दान दिया पिता, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं। यीशु पापा आपकी जय जयकार करते हैं। महान पिता दयालु हैं, आप राजाओं के राजा मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो भी हम सभी मसीह भाई से पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करिए, आप क्षमा करिए मेरे पिता। पिता, जो भी हम सभी से पाप गलती गुना हुए, जानबूझ कर अनजाने में, मेरे पिता माफ करिए, आप क्षमा करिए मेरे पिता। पिता, हम मानो जाते हैं, मनुष्य निर्बल कमजोर है, पाप में गिर सकता है, गुनाह में गिर सकता है, व्यभिचार में गिर सकता है मेरे पिता। पिता, आपका वचन कहता है, हम अपने अपराधों को आपके सामने मान लें और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें मेरे पिता। तो आपने कहा, मैं भी तुम्हारे अपराधों को हिमकिनारी श्वेत कर दूंगा, उजला कर दूंगा मेरे प्रभु। आपने कहा मेरे पिता, मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पापा जो बीमार हैं पिता, जो बीमारी में लिप्त हैं पिता, जिनकी बीमारियाँ नहीं ठीक होती पिता, तमाम इलाज दरा दवाइयाँ करा चुके मेरे प्रभु, फिर भी वह नहीं ठीक होते मेरे स्वामी। मेरे पिता, हम चाहते हैं मेरे स्वामी वे चंगे हो जाएं। हालेलुया, प्रभु आपके नाम से वे चंगे हो जाएं पिता। किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे प्रभु कि अपना इलाज करा सके मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दीजिए, आप उन्हें चंगा करें मेरे स्वामी। यश हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नाव की युवा है, सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा। हम प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता, जो बीमारी को, जो गरीबी को लिप्त हैं लेकर पिता परमेश्वर, पिता टेंशन डिप्रेशन में है मेरे स्वामी, मेरे पिता, आपके नाम से मेरे प्रभु उनका रोना भी लिखना चिलाना बंद होने पाए, इनके जीवन में मिरेकल होने पाए, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता, आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे यीशु मसीह। आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते मेरे स्वामी, मेरे पिता। इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों के प्रासी से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे स्वामी, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता, ये बहुतेरे जातियों को उधार देने ले वंश के पिता, ये मांगने ले नहीं मेरे स्वामी, इनके हाथ देने ले बना दीजिए यीशु पापा, इनके हाथ देने ले हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से। यश हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं स्वामी। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर पिता। अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता हम सभी मसीह भाइयों के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे स्वामी हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को मिटा डाल मेरे स्वामी। यश हालेलुया।
पिता अपने वचन में कहा है वह तुझे महामारी से बालियों की जड़ से बचाएगा छुड़ाएगा मेरे पिता। आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ मेरे पिता। आप चंगा करने वाले परमेश्वर मेरे पिता। आपके द्वारा हम सभी की आयु बढ़ेगी मेरे पिता। आपने कहा है मेरे पिता, आपने कहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है मेरे स्वामी। आपने कहा है या हालेलुया पिता। जिस प्रकार से आप पवित्र हैं मेरे स्वामी, उसी प्रकार से हम सभी को भी पवित्र बनाइए मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते मेरे स्वामी पिता। वे तमाम इलाज दवाइयाँ करा चुके पिता, उनकी उम्मीद टूट चुकी है मेरे पिता। कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही मेरे स्वामी। मेरे पिता आस की किरण आप हैं मेरे स्वामी पिता। आप हम सभी के पापा हैं मेरे पिता। आप अपने बेटे बेटियों को निराश उदास होने नहीं देते पिता। हम आपके बेटे हैं, आप हमारे पिता हैं। हम आपसे मांगते हैं, आप हमें देते हैं मेरे स्वामी। मेरे पिता इन बहनों को बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, जिन बहनों को नहीं होते हैं पिता। क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम से मेरे पिता हम नहीं जानते मेरे पिता। आप इन्हें बच्चे दीजिए मेरे स्वामी। हालेलुया प्रभु। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लोगों का मेरे प्रभु। आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से पुकारते हैं यीशु पापा मेरे पिता। इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, पिता इनकी समस्याएं खत्म हो जाएं, परेशानी दूर हो जाए मेरे स्वामी। आपके नाम से मेरे प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते यीशु राजा। महान जीवित परमेश्वर है, अब दयालु परमेश्वर है मेरे पिता। आपके ना कोई तुल्यवा है और ना कोई उपाय इस जगत में मेरे प्रभु। मुर्दों को जिलाने वाले, अंधों को दृष्टि देने वाले, कुड़िए पाजों को शुद्ध करने वाले यहोवा जुलावर है मेरे स्वामी। हालेलुया यू टच मी पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, हर एक जनों को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इस मसीह आपके नाम से, आपके नाम से चंगे होने पाए इस मसीह आपके नाम से। जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं यीशु पापा मेरे प्रभु, आप हर एक जनों को छू लीजिए। यदि कोई दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में, उदासी में, बेचैनी में, निराशा में, टेंशन में, डिप्रेशन में मेरे पिता, आपके नाम से पिता इन सभी चीज़ों से वे बाहर निकल आए पिता। उनके जीवन में अद्भुत मिराकल से चमत्कार होने पाए इस मसीह आपके नाम से। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं स्वामी। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। आपने मुर्दों को जिलाया है, दुख को दृष्टि दिया, कोड़े पाजों को शुद्ध किया मेरे पिता। आपके ना कोई तुल्यवार ना कोई उपाय इस जगत में मेरे पिता परमेश्वर पिता मेरे पिता। आप सब आपने हम सभी से इतना प्रेम किया पिता कि आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया मेरे स्वामी। आपने हम सभी से इतना प्रेम किया पिता, आपने सभी तरह के दिखा दिया मेरे स्वामी कि आप हम सभी से कितना प्रेम करते हैं पिता। आपका प्रेम बहुत ही बड़ा है यीशु पापा। इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने गुनाहों का बोझ, पापों का बोझ, बीमारी का बोझ पिता आपने अपने ऊपर ले लिया। सारी मानव जाति का पाप आप अपने ऊपर ले लिए पिता, और आप कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए मेरे स्वामी हमारे कारण पिता, इन मानव जाति के पाप के कारण मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। मेरे पिता महान है, दयालु है, आप करुणानिधि है मेरे पिता। आप हमारे पापा, हम सभी आपके बेटे बेटियां हैं मेरे स्वामी मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने हम सभी को अनंत काल का जीवन दिया है, जीवन दान दिया है, संसार से चुना चुनकर अलग किया है पापा। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी मेरे पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते हैं मेरे पापा, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने, ख्याल विचार आते हैं मेरे स्वामी। शैतान डराता है, धमकाता है मेरे स्वामी। आपके नाम से शैतान को सो दूर खदेड़ दिया जिनके जीवन से मेरे पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी मेरे स्वामी। आपके वचन में कहा है आपने, इस वचन के द्वारा हर एक जनों की सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, रक्षा करें मेरे पिता। ये छोटी सी विनती आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन और आमीन।